और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी जो मशीन है ये हैचर कम सेटर है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ये आपका जो है ये सेटर पार्ट हो गया आपका, और इसी के अंदर ही आपकी हैचिंग भी हो जाती है। तो आपको अलग से कोई हैचर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ में आप देखेंगे इस मशीन के साथ में ये आपको ये बास्केट्स आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेकर गया हूं दोस्तों 600 एग का हैचरो का इंक्यूबेटर, इंडस्ट्रियल ग्रेड का इंक्यूबेटर है। इसका बॉडी जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है। इसके साथ ही साथ आपको जो मशीन के अंदर जो टर्निंग सिस्टम मिल रहा है वो भी इंडस्ट्रियल ग्रेड का मिल रहा है दोस्तों। ये हम एक डेमो मशीन लेकर के आए हैं 600 एग का। इसके अलावा इसी सेम साइज में, सेम डिज़ाइन में, सेम मॉडल में आप हमसे चाहें तो बड़ी मशीनें भी बनवा सकते हैं, 600, 800, 1000, जो भी साइज़ आपको चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मशीन को खोल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मशीन के अंदर इस तरीके से टर्निंग सिस्टम आता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मशीन के बिल्ड क्वालिटी की। तो मशीन जो है वो ऑलरेडी देख रहे होंगे, हमारी मशीन जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड की बनी होती है। हैच प्रो का ब्रांडिंग आता है, हैच प्रो की ये मशीन है। 1 ईयर वारंटी के साथ में आती है। मशीन को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के बात कर सकते हैं, www.hatchpro.in। इसके अलावा दोस्तों, खरीदने के अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट भी चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से चैट कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप हमसे चैट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर वेबसाइट के लिए व्हाट्सएप चैट ऑप्शन होता है, वहाँ से आप हमसे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मशीन के अंदर में जो है वो सामने के साइड में दो विंग विंडो आती हैं, यहाँ से आप इजीली मशीन को देख सकते हैं। बाहर से आप देख सकते हैं कि मशीन के अंदर आपकी टर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वाटर लेवल दोस्तों आप इजीली बाहर से ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको पानी का लेवल, सभी ट्रे के अंदर पानी का लेवल आपको दिख जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मशीन के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रेड की लाइट लगी हुई है, तो जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। और कंट्रोलर देखेंगे दोस्तों, तो ये हैच प्रो का ब्रांडेड कंट्रोलर आता है। मशीन को इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ टर्निंग सिस्टम के बारे में दोस्तों। आप देखेंगे ये टर्निंग सिस्टम आता है। और इसके अलावा मशीन के अंदर में पानी को ऑटोमेटिकली मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमारे पास में ये फ्लोट लगे होते हैं, जिससे कि पानी का आप देख सकते हैं पाइप दिया होता है मशीन के साथ में। इसको आप मशीन से बाहर निकाल करके किसी भी टैप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपके मशीन के अंदर पानी कम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़िल कर लेता है पानी को। तो पानी भी आपको डेली डेली डालने का कोई भी झंझट नहीं है इसमें, आप ऑटोमेटिकली पानी भी रिफ़िल हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है, जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसमें, इसके अंदर में ऑटोमेटिक आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है और टर्निंग भी आपका ऑटोमेटिक होता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कंट्रोलर आता है। इसकी इंस्टॉलेशन के आपको क्या करना होता है, मशीन के इस तरीके से आपको मशीन रिसीव होती है, तो इसको आपको क्या करना होता है कि इसकी एक टर्निंग की ये वायर लगी होती है दोस्तों, इस वायर को आपको कनेक्ट करना है। और कुछ कंट्रोलर की वायर्स होती हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कंट्रोलर की वायर को कनेक्ट कर देंगे। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक ये 12 वोल्ट का अडाप्टर आता है डीसी, इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसका आपका जो मशीन है ऑन नहीं होगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का दिया हुआ है प्लग। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक साइड में एक फ्यूज़ दिया हुआ है और ये एक पावर केबल है। और इसके अलावा इस तरीके से आपको इसका मशीन का कनेक्शन करना है, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वेंट दिए हुए हैं, इसको आपको 1/4 ओपन रखना है, जिससे कि हवा जो है वो सर्कुलेट होती रहे और आपके एग्स को जो है वो फ्रेश एयर मिलती रहे और ऑक्सीजन का लेवल अंदर मेंटेन रहे। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों, ये दो हमने एग्जॉस्ट के लिए दिए हुए हैं। जैसे ही मशीन के अंदर अगर कभी गलती से टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, जिससे कि जो है वो एक्सेस जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली मशीन के बाहर चली जाती है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर भी आपका फुल प्रूफ हो गया ये आपका, तो आप कह सकते हैं इस मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक बार लगाने के बाद में आपको सिर्फ बाहर से इसको मॉनिटर करते रहना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं मशीन को, और आप देखेंगे बहुत ही एफिशिएंटली एनर्जी एफिशिएंट मशीन है ये, बहुत ही कम पावर पे ये आपको ये चलती है मशीन। आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रे में ये एक ट्रे जो है आपके 102 eggs आते हैं इसमें। तो एक जो रो है आपकी 204 अंडे की एक रो है, तो ये आप कह सकते हैं कि तीन रो लगी हुई, तो 600 अंडे आपके इजली इसके अंदर लग जाएंगे। इसके अलावा एक कस्टमाइजेशन है दोस्तों, अगर आपको और बड़ी मशीन चाहिए तो वो भी हम बना देते हैं, जो भी आपको साइज़ चाहिए, 600, 800, 1000, 2000, जो भी आपको साइज़ चाहिए वो हम सब बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए।
और आप देखेंगे दोस्तों ट्रॉली के अंदर नीचे एक व्हील लगे होते हैं जिसे आप इजीली ट्रॉली को बाहर निकाल सकते हैं। मशीन के नीचे भी व्हील लगे हुए हैं जिसे आप मशीन को भी बाहर निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी जो मशीन है ये हैचर कम सेटर है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ही आपका जो है ये सेटर पार्ट हो गया आपका, और इसी के अंदर ही आपकी हैचिंग भी हो जाती है। तो आपको अलग से कोई हैचर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ में आप देखेंगे इस मशीन के साथ में ये आपको ये बास्केट्स आती हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आप चिकन के एग्स को हैच कर रहे हैं तो 18 दिन तक तो आपको इसी तरीके से इसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में मशीन को चलाना है। और 18 दिन के बाद में आपको क्या करना है, इस ट्रॉली सिस्टम को आप बाहर निकाल देंगे व्हील्स के जरिए, और वापस इस हैचिंग बास्केट के अंदर, ये तीन हैचिंग बास्केट आती हैं, 3 से 4 हैचिंग बास्केट आती हैं मशीन के साथ में, आप इस हैचिंग बास्केट के अंदर अपने एग्स को शिफ्ट करके मशीन के अंदर लगा देंगे। तो जिससे कि आपकी हैचिंग की जो है वो मशीन के अंदर ही हो जाएगी, आपको अलग से कोई हैचर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मशीन को थोड़ा ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ऑलरेडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम है तो आप देखेंगे कि जो है वो टेम्परेचर और इंक्रीज़ करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हीटर ऑन है हमारे, ठीक है। और अब आपको मैं रोटेशन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो रोटेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये एरो अप बटन जो है, सेकंड बटन, इसको आप अगर दबा करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी रोटेशन जो है वो शुरू हो गई। आप देखेंगे टर्निंग शुरू हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों, अब चलिए मैंने आपको दिखा दिया, अब आपको इसको सीधा कर दो। तो दोस्तों ऐसे इसकी टर्निंग होती है, और अभी आप देखेंगे तो मशीन को हम बंद कर देते हैं, और आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो मैंने भाई हीटर ऑन थे तो इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, और जैसे ही अभी टेम्परेचर आ जाएगा इसका तो ऑटोमेटिकली हीटर बंद हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों मशीन के बारे में, मशीन को इंस्टॉलेशन करने के बारे में। कस्टमर केयर से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारी, हमसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर विज़िट करिए www.hatchpro.in, और यहाँ पे हमारे कस्टमर केयर का नंबर दिया होता है। इसके अलावा व्हाट्सएप और व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन भी वेबसाइट पर दिया होता है, तो वहाँ पर जाकर के आप हमसे चैट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी चैट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे बात करके सपोर्ट ले सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए आप या तो हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर लीजिए www.hatchpro.in, और या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबरों में कॉल कर लीजिए हमको, और आप इस मशीन को अपना बुक करवा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।